हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा कि आपके सामने है, कंपनी डेनिश पावर लिमिटेड की तरफ से आईपीओ की अनाउंसमेंट की गई है। तो आज हम इस कंपनी की बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में एज एन आईपीओ इन्वेस्ट करते हो या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म कंडीशन है उनको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, अकॉर्डिंग टू डाटा जो ये कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई 1985 में, 1985 में, और ये मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर का। जी हाँ, इसमें कई तरह के इन्वर्टर, ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर जो जो कि यूज में आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, जिसमें सोलर पावर प्लांट या विंड फार्म इंक्लूड है। जी, तो ये आप देख सकते हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें मार्च 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग वो 343 के करीब है। और इसमें बाकी जो मेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो डिटेल है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। जी, अब हम डायरेक्ट आते हैं आईपीओ से जुड़ी डिटेल के बारे में। आईपीओ की जो प्राइस रेंज फिक्स की है 360 रुपये से लेकर 380 रुपये तक। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है क्वांटिटी पे, मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 300, उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है 1,08,000 और मैक्सिमम 1,14,000। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो? 22 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक। टाइमिंग सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर आपको मिलते हैं तो अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 25 अक्टूबर तक। ना मिलने पर रिफंड होगा 28 अक्टूबर तक। शेयर मिलने पर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 28 अक्टूबर तक और उनकी लिस्टिंग होगी 29 अक्टूबर तक। जी, तो ये आप देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल। उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड आउट करो, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल थिंग्स आपको मिलेगी जो आपके लिए जरूरी है। उसके बाद ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर कंपनी या कंपनी से जुड़ी जो भी बेसिक डिटेल है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।